Hey guys, this is Kunal and you guys are watching the Alpha Black. Flagship killer company ने अपना flagship phone launch कर दिया है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 7 Pro की. तो OnePlus 7 Pro US UK में launch हो चुका है. आइए जानते हैं इसके specifications क्या हैं. तो पहले बात करते हैं डिज़ाइन की. तो फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है. कर्व डिस्प्ले वाला डिज़ाइन है, कर्व्ड है फ़ोन चारों है, जिससे जो कि फ़ोन को पकड़ने में काफ़ी स्मूथ बनाता है. साथ ही साथ इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रंट और बैक में. डिज़ाइन के बाद बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की. तो फ़ोन में क्वाड HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि फ्लूड एमोलेड 6.67 इंच का फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले है इस फ़ोन में. साथ ही साथ 90 हर्ट्ज के रेट पे रिफ्रेश होता है फ़ोन के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट से. उसकी स्मूथनेस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है दोस्तों. अगर उसका रिफ्रेश रेट ज़्यादा है तो उसकी स्मूथनेस उतनी ज़्यादा हो जाती है डिस्प्ले में. ये आप आम फ़ोनों पे चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप 60 हर्ट्ज पे की सेटिंग्स पे इसको यूज़ करेंगे और 90 हर्ट्ज पे यूज़ करके देखेंगे, तब आप स्मूथनेस में फ़र्क देख सकते हैं. डिस्प्ले और डिज़ाइन के बाद बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की. तो फ़ोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट. जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 855 जो है प्रोसेसर, वो आपका 845 से 45% ज़्यादा फास्टर और 20% लेस बैटरी कंजम्पशन प्रोसेसर है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है. साथ ही साथ फ़ोन में दी गई है मासिव 4000 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए फ़ोन के साथ आता है 30 वॉट का वाप चार्जर, जो कि फ़ोन को काफ़ी तेज़ी से चार्ज करता है. फ़ोन के बैक में एक ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. साथ ही साथ फ़ोन में एक पॉपअप सेल्फी कैमरा है और इसी के साथ ही दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर. फ़ोन की बैटरी और परफॉर्मेंस को और अच्छे से रिव्यू करेंगे हमारे इन डेप्थ रिव्यू में. अभी हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं तो फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है, फ़ोन में प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, फ़ोन में बैटरी अच्छी दी गई है. फ़ोन का वेट हालांकि थोड़ा बल्की है, बट जब हम इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे तब चेक करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस रियली इतनी अच्छी है जितनी ऑन पेपर दिखाता है. अब बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि फ़ोन अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, पर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 245,000 से 250,000 है, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है OnePlus 60 से. तो जब फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है तब देखते हैं, बट इज़ इट ए ट्रूली फ्लैगशिप किलर. और क्योंकि OnePlus खुद ही फ्लैगशिप रेट्स में चला गया है, तो आइए जानते हैं देखते हैं हमारे रिव्यू में, हमारी अगली वीडियो में, कि ये उतना ही सही है या नहीं. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड.